एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। प्रेम और उसके साथियों को एक छोटी सी डिबिया को लेकर एक बड़ा काम करने को दिया गया। क्या आप भी उनके जैसा काम करके देखना चाहेंगे? चलो सुनते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है कितनी बड़ी माचिस। इंग्लिश में ओरिजिनल स्टोरी द बिग बिग मैच बॉक्स। दिस इज रिटन बाय अरविंद गुप्ता। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी और चित्र बनाए हैं मीनल सिंह। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। थोड़ा सा इस कहानी के लेखक के बारे में। श्री अरविंद गुप्ता, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, उनके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी, जिन्होंने जो चीज़ें हम लोग ट्रैश में गिनते हैं उन्हीं चीज़ों से उन्होंने साइंस टॉयज बना के बच्चों में और बड़ों में साइंस के प्रति जिज्ञासा जागृत करने का एक महान काम किया है। और अगर आप और भी ऐसे अलग अलग साइंस टॉयज बनाना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए, www.arvindguptatoys.com। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्रेम दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वो घर के पास के निगम विद्यालय में जाता था। उसके शिक्षिका को रोज कोई नई बातें पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने बच्चों से एक खाली माचिस की डिबिया ढूंढकर उसे भरने के लिए कहा। एक हफ्ते में जितनी चीजें इस माचिस की डिबिया में भर सकते हो भरो, जो सबसे ज्यादा अलग अलग चीजें इसमें भर पाएगा उसे अगले हफ्ते इनाम दिया जाएगा। प्रेम को यह बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर डिबिया में पेंसिल छीलने वाला शार्पनर और मिटाने वाली रबर को रखना चाहा। उनमें से एक चीज ही उसमें समा पाई। दोनों चीजें ज्यादा बड़ी थी। प्रेम सोचने लगा, मैं कौन सी चीजें इसमें भर सकता हूं। होमवर्क करते हुए उसकी पेंसिल टूट गई। उसकी नोक का छोटा सा काला टुकड़ा प्रेम ने माचिस की डिबिया में रख लिया। पेंसिल छीलकर लकड़ी के बुरादे का एक टुकड़ा भी डिबिया में रख लिया। प्रेम बड़े ध्यान से छोटी छोटी चीजें तलाशने लगा। मां रसोई में पोहा बना रही थी। उसकी खुशबू आई। रसोई में से एक राई का दाना, एक जीरे का दाना, एक लाल मिर्च का बीज उसने डिबिया में रखा। साथ ही एक एक चावल का, चीनी का और गेहूं का दाना उसने रख लिया। मक्की, बाजरा, मूंग और अन्य दालों के दाने भी उसने डिबिया में रख लिए। अगले दिन उसने एक छोटा रबर बैंड, ऊन का टुकड़ा, एक बाल और एक धागे का टुकड़ा रखा। प्रेम अब हर समय छोटी नन्ही चीजें ढूंढता रहा। अगले दिन उसने गुलाब का एक कांटा, सूरजमुखी की एक पंखुड़ी, एक छोटी सी डंडी, चाय की पत्ती, एक इमली का पत्ता और एक छोटा कंकड़ डाला। माचिस की डिबिया में अभी भी थोड़ी जगह बाकी थी, इसलिए प्रेम ने कागज का एक टुकड़ा, एक कागज का क्लिप, एक सुई, एक मोती, एक बटन उसमें और डाले। माचिस की डिबिया अभी भी भरी नहीं थी। हफ्ते के आखिरी दिन प्रेम ने नींबू का एक बीज, संतरे का एक बीज और कद्दू का एक बीज डाला। अब माचिस की डिबिया ठसा ठस भरी थी। उसमें जरा भी जगह नहीं बची थी। विद्यालय में सभी बच्चों ने अपनी अपनी डिबिया की चीजें गिनी। कुछ बच्चों ने 50 चीजें गिनी। एक बच्चे ने 100 चीजें भरी थी। जब प्रेम की बारी आई, उसने माचिस की डिबिया को उठाकर हिलाया। उसमें से कोई आवाज ही नहीं आई, क्योंकि वो पूरी भरी हुई थी।
जब प्रेम ने अपनी माचिस की डिबिया खाली की तो सब देखते ही रह गए। उसने 150 चीजें उसमें भर दी थी, कोई और इतनी चीजें नहीं भर पाया था। इस तरह प्रेम ने रंगीन क्रेयॉन पेंसिलों का एक नया डिब्बा इनाम में पाया। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.booksthatspeak.com पर। एरवावी एरवावी।